हे गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो अनाउंसमेंट करनी थी जिसके बारे में बात करेंगे। नंबर वन ये है, आपको पता है मैं बेलगावी सिटी से बिलोंग करता हूँ और मुझे यहाँ के लोगों के बारे में और बेलगावी सिटी के बारे में वीडियोस बनाना बहुत ही पसंद है एंड आई एम प्राउड ऑफ माय सिटी। और रिसेंटली मुझे पता चला कि अपने एक बेलगामाइट है जिनका नाम है प्रवीण मुसाई, जो वेल सेटल्ड है यूके में, बट उनका जो दिल है बेलगावी सिटी के लिए धड़कता है। और रिसेंटली उन्होंने तिनका नाम से एक वीडियो एल्बम लॉन्च किया है जिसका पूरा शूटिंग बेलगावी सिटी में हुआ है। मैंने वो गाना सुना, मुझे बहुत पसंद आया एंड उस सॉन्ग का जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो मैं चाहता हूं कि गाइस आप लोग जाइए, उस वीडियो को देखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। सो अब बात करते हैं सेकंड अनाउंसमेंट के बारे में। सो सेकंड नंबर अनाउंसमेंट ये है कि गाइस एक मैं गिव अवे रख रहा हूं और मेरे 3 लकी सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। सो वो क्या है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो सारे रूल्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आई होप सो गाइस आज का वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। सो राइट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद, आई मीन कई महीनों बाद अपने इस चैनल पे अनबॉक्सिंग वीडियो आ रहा है। म्यूजिक अपने लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उस म्यूजिक को फील करने के लिए या फिर सुनने के लिए आज के जमाने में हम जो यंत्र यानी जो डिवाइस यूज करते हैं उनको स्पीकर्स कहा जाता है या फिर ईयरफोन्स कहा जाता है, बहुत सारी वैरायटीज जैसे ईयरबड्स भी कहा जाता है। सो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसको म्यूजिक पसंद ना हो और इस म्यूजिक को अच्छे से फील करने के लिए हम लोग आजकल ईयरफोन्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो कई सालों तक ये वायर वाले जो ईयरफोन्स यूज करने के बाद मैंने कुछ वायरलेस ईयरबड्स ऑर्डर किए थे, बट मेरा एक्सपीरियंस उतना ठीक नहीं था। बहुत सारे ब्रांड्स थे जिनका नाम अभी मैं लेना नहीं चाहूंगा। सो मेरी तलाश थी कि मैं कुछ ऐसा ईयरबड्स मेरे लिए परचेज करूं जो बहुत ही मतलब बजट फ्रेंडली हो, आई मीन 1000 के अंडर हो, और आज मेरी वो तलाश खत्म हो गई। मतलब पिछले 2 दिन पहले मैंने ये वाले बोल्ट के ईयरबड्स मंगाए एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और अगर आप लोग ऐसे ईयरबड्स की तलाश में हो जो मतलब बहुत ही बजट फ्रेंडली हो, 1000 के रेंज में हो और आपकी सारी जरूरतें पूरी करे, तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। सो वीडियो एंड तक देखिएगा। सो ऑलरेडी इस बॉक्स को मैं अनबॉक्स कर चुका हूं और इस ईयरबड्स को मैं 2 दिन से यूज कर रहा हूं। सो मैं सारी बातें मेरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, लेकिन इसमें क्या क्या आता है ये दिखाने के लिए इस ईयरबड्स को फिर से मैं अनबॉक्स करके दिखाता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस बॉक्स को अभी करते हैं अनबॉक्स। खुल जा सेम। सो इसके अंदर अपने को मिलता है ये वाला वारंटी कार्ड है शायद इसमें। ओके, सो अगर आपको कुछ वारंटी कुछ क्लेम करना है तो इसको संभाल के रखिएगा, ये आपके काम को आने वाली चीज़ है। रख देते हैं इसको साइड पे और क्या क्या है देखेंगे इसमें। में आपको मिलते हैं ये 4 बर्ड्स। अगर आपके कान के साइज अगर डिफरेंट है तो ये आपके साइज के हिसाब से आप मैच करके यूज कर सकते हैं। सो इसको भी रख देते हैं अपन साइड पे। एंड इसके अंदर आपको मिलता है एक चार्जिंग केबल ये वाला, जिससे आप इस बॉक्स को चार्ज कर सकते हैं। सो इसको भी रख देते हैं एक साइड पे। सो ये है वो ईयरबड्स जिसकी मुझे कहीं महीनों से तलाश थी और ये है बोल्ट ऑडियो के म्यूज बर्ड्स। सो ये रहे, कुछ इस तरह दिखते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑसम लुक है। ये 2 पीस है लेफ्ट एंड राइट साइड के। इस बॉक्स को अपन रख देते एक साइड पे। तो कुछ इस तरह के 2 ईयरबड्स आ जाते हैं और इसका लुक आप देख सकते हैं बहुत ही स्पोर्टी लुक है, यानी आप जिम में या जॉगिंग में या फिर आपके वर्क प्लेस पे भी इसको यूज कर सकते हो। सो इसको पहन के मैं दिखाता हूं और आप लोग खुद चेक कीजिएगा कि इसका लुक कैसा आता है। सो ये है, यहां पे मेंशन भी किया हुआ है ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है। सो इस तरह कुछ पहनना है आपको एंड दिस वन इज फॉर राइट ईयर।
इसको कनेक्ट करने का भी तरीका बहुत ही आसान है। आपके सेलफोन में ब्लूटूथ ऑन करना है और इस बॉक्स में से जैसे ही आप ईयरबड्स को निकालेंगे ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, एंड एक बार कनेक्ट करने के बाद हर बार आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे एंड आप अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करके एंजॉय कर सकते हो। और इसके ऑप्शंस के बारे में अपन बात करेंगे। अगर आप कॉल अगर रिसीव करना चाहते हो तो इसको एक बार टैप करना है, कॉल डिस्कनेक्ट करना है तो दो बार टैप करना है, और जब आप म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हो तो उसके लिए भी बहुत ही इजी ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको अगर सॉन्ग प्ले करना है तो एक बार टैप करो प्ले हो जाएगा, दोबारा टैप करने के बाद वही सॉन्ग पॉज कर सकते हो। अगर आपको वॉल्यूम डिक्रीज करना है या फिर इंक्रीज करना है तो राइट साइड पे आपको 3 times अगर आप क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे अगर लेफ्ट बेड पे आप अगर 3 times क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। बहुत ही इजी ऑप्शन दिए गए हैं। और अगर आपको सॉन्ग चेंज करना है, अगले ट्रैक पे बढ़ना है तो राइट साइड पे 2 times क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट सॉन्ग जो है ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। अगर आपको बैक लेना है, प्रीवियस सॉन्ग को प्ले करना है तो लेफ्ट साइड पे 2 times क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक वो दूसरे प्रीवियस गाने पे आ जाएगा। सो इस पे और एक ऑप्शन है, वॉइस कंट्रोल भी आप यूज कर सकते हो, एंड मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया ईयरबड्स है। और एक और ऑप्शन इसका एक अच्छा है कि ये जो पीछे जो है ईयरबड्स के ऊपर जो ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट दिया गया है, इसका एडवांटेज ये है अगर आप जिम पे या जॉगिंग पे जाके यूज कर रहे हो तो बहुत ही मतलब कंफर्टेबल तो है ही है। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप बहुत ही ट्रेडमिल पे वर्कआउट कर रहे हो या फिर जॉगिंग कर रहे हो तो इसका एडवांटेज ये रहेगा कि ये गिरने के चांसेस बहुत ही कम रहता है। ड्यू टू दिस सपोर्ट आपके कान के ऊपर बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। नॉर्मल ईयरबड्स कैसा रहता है, कभी ना कभी गिरने के चांसेस रहते हैं। ये ईयरबड्स बाय करने का एक ही रीजन है, मैंने बहुत बार सोचा कि वाइल्ड ट्रैवलिंग हम लोग जब हेलमेट पहनते हैं सो ईयरबड्स जो रहते हैं नॉर्मल जो कंपनी के उसके ऊपर ये सपोर्ट नहीं आता है, उस वजह से बहुत सारे ईयरबड्स खो जाने का चांसेस रहता है। लेकिन इसको जो सपोर्ट दिया है उसकी वजह से आपके ईयरबड बहुत ही सेफ रहेंगे। एंड अगर आप लुक्स की भी बात करें तो बहुत ही बढ़िया लुक है एंड बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं आपको एक और एग्जांपल के लिए मैं दिखा दूं कि देखो मैं कितना भी अगर फेस को शेक करूं तो भी ये ईयरबड जो है बिल्कुल गिरेंगे नहीं, जहां है वहीं पे सेफ रहेंगे। और अब बात करते हैं पिछले 2 days से जो मैं इस ईयरबड्स को यूज कर रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। 2 days से मैं कंटिन्यूस इस ईयरबड्स को यूज कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से 5 to 6 hours एक बार मैंने इस बॉक्स में चार्ज करने के बाद दोनों ईयरबड्स 5 to 6 hours तक बैटरी चल रही है एंड बहुत ही लाइट वेट है। मेरे हिसाब से एक ईयरबड अराउंड 7.5 grams का रहेगा जो बहुत ही लाइट वेट है। और इसका मेन एडवांटेज है कि आप ये बॉक्स कहीं भी कैरी कर सकते हैं और इस बॉक्स को एक बार चार्ज करने के बाद फिर से आप अगर ये ईयरबड्स इस बॉक्स में रखेंगे तो 5 hours के लिए फिर लगातार आप इनको यूज कर सकते हो। और चार्जिंग भी बहुत ही इजी है, इसका केबल दिया गया है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं नॉइस कैंसिलेशन की। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सही रहा, मैं जब इस ईयरबड्स को यूज कर रहा था बाहर का जो नॉइज है 100% मैं बोल सकता हूँ कैंसिल कर रहा था। आप जब इसको यूज करते हो आप और आपके म्यूजिक के बीच में कोई आ नहीं सकता, सो दिस आर द बेस्ट ऑप्शन। अगर बात करूं मैं इसकी बैटरी की तो 5 hours तो मैंने लगातार यूज किया है, मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, सो आई विल श्योरली रिकमेंड दिस। अब बात करते हैं इसकी बेस की। अगर आपको बहुत ही मतलब बेस का रिक्वायरमेंट है तो मुझे लगता है इसमें 90% ओके 10% मुझे थोड़ा कम लगा, लेकिन बाकी अगर सॉन्ग्स आपको मतलब लाउड सॉन्ग सुनने की आदत नहीं है तो मेरे हिसाब से ये ईयरबड्स आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। की कोई शिकायत नहीं है मुझे इस ईयरबड्स के बारे में, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सो मैं जो 2 days से यूज कर रहा हूँ जो कुछ भी मैंने नोटिस किया मैंने सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में बताई है। अगर आपको इस ईयरबड्स को परचेज करना है तो ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपको अमेजोन पे मिल जाएगा 1000 या 1100 कुछ प्राइस अप डाउन होता रहता है, मैंने 1000 rupees में बाय किया है, शायद आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं लिंक जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर इस ईयरबड्स के बारे में आपका कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके बताइए। एंड आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो गाइस यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, आप जितना मुझे सपोर्ट करते हो उसके लिए मैं जितना भी थैंक यू कहूं कम रहेगा। सो कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक गिव अवे रखा जाए और उसमें मेरे 3 lucky subscriber को मिलेगा ये बोल्ट ऑडियो का जो मेरा फेवरेट ईयरबड्स है वो मैं 3 lucky subscriber को देने वाला हूं। मैं रैंडमली सेलेक्ट करूंगा और इस गिव अवे में पार्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप से मैं आपको 1 by 1 बताता हूं। रूल नंबर 1 ये रहेगा
कि आपको इस चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना होगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना होगा। उसके बाद रूल नंबर 2 ये रहेगा कि आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना होगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो क्यों पसंद है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। एंड रूल नंबर 3 ये रहेगा कि आपको इस वीडियो का जो लिंक है अपने किसी फ्रेंड के साथ या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करना होगा। एंड फाइनली रूल नंबर 4 ये रहेगा कि आपको जाके मेरे इंस्टा आईडी पे फॉलो करना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, और उस पे जाके ये सारे जो रूल्स आपने फॉलो किए हैं उसका स्क्रीनशॉट जो है मुझे डीएम करना होगा और मैं चेक करूंगा। अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें फॉलो की होगी तो उसमें से मैं रैंडमली 3 सब्सक्राइबर को पिक करूंगा और उनको पर्सनली मैं वीडियो के थ्रू भी बताऊंगा एंड डीएम करके भी बताऊंगा। और आप इंडिया में जहां कहां भी रहेंगे तो आपको ये बोल्ट ऑडियो के जो ईयरबड्स है पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और इस गिव अवे में पार्ट लेने के लिए लास्ट डेट रहेगा 5th of October। उसके बाद जो एंट्रीज आएगी वो एलिजिबल नहीं रहेगी। और एक बात, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सॉरी एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा तो सबको ऐसा लगेगा कि मैंने पर्सनली मतलब अपने लोगों को गिफ्ट दिया है। सो ये रूल आपको फॉलो करना होगा। और बस आई होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये ईयरबड्स किस लकी विनर को मिलता है आपको वेट करके रुकना होगा और बहुत ही जल्दी अपने वीडियो में अनाउंस करके बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट टू यू। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले ऑसम वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।